शिवपुरी पुलिस के स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देहात थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर के कब्जे से 42 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 8,40,000 रुपए जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावी की 4 अगस्त को सूचना पर मुड़ोनी तिराहे शिवपुरी के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को आता देख कर भागने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा घेर कर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 42 ग्राम भूरे रंग का पदार्थ कीमत 8,40,000 रुपए का विधिवत जब्त कर आरोपी रफीक मोहम्मद पुत्र हनीफ मोहम्मद उम्र 48 साल निवासी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। सर, थाना पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है, कहां से पकड़ा इसको? हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा स्मैक की कार्रवाई के लिए हमको निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी तथा सीएसपी महोदय शिवपुरी के निर्देशन में हमको कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर जो कि जिला झालावाड़ खानपुर से यहाँ पर शिवपुरी में स्मैक की सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। उसी सूचना पर से हमने टीम बनाकर और मुखर के बताए स्थान पर हमने टीम को भेजा और वहाँ से मुखर के बताए हुए के अनुसार हमने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से हमने 42 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक काटा मौके से जब्त किया और मौके से ही हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। कीमत क्या होगी? स्मैक की कीमत लगभग 8,40,000 रुपये आती हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल हम इसकी राजस्थान से इसकी जानकारी ले रहे हैं। ये जिला झालावाड़ का रहने वाला है और खानपुर का, वहाँ से ये स्मैक सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। आम जनता को क्या मैसेज आपके यहाँ? जी बिल्कुल, हमारी ओर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से ये मैसेज है कि यदि उनको कोई भी जानकारी मिलती है तो हमारे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर हमको वो तुरंत सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।